हेलो एवरीवन, मैं हूं तेजल और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आप लोगों के साथ आलिया भट्ट इंस्पायर्ड मेकअप लुक शेयर करूंगी फ्रॉम मूवी कलंक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मेकअप स्टार्ट करने के पहले मैं अपने स्किन को करूंगी प्रेप। तो मैं यहां यूज कर रही हूं मैक का ड्रॉप क्रीम इन द शेड सिल्वर लाइट, और ये अंदर से कुछ इस तरह दिखता है। इससे हमारे स्किन पे एक ब्यूटीफुल सा ग्लो दिखेगा, प्लस अच्छे से हमारी स्किन मॉइस्चराइज हो जाएंगी। सो मैंने यहाँ अपनी स्किन अच्छे से प्रेप कर ली है। अब हम आईब्रो पर करेंगे। जैसे कि आपको पता है, आलिया भट्ट की इस लुक में आईब्रो काफ़ी ज़्यादा डार्क और काफ़ी ज़्यादा थीक है। सो उसी तरह हम हमारी आईब्रो भी थोड़ी बोल्ड करेंगे। सो मैं यहाँ आईब्रो सेटिंग कर रही हूँ रेवोल्यूशन के पैलेट से, इन द शेड रेवोल्यूशन रिलोडेड आइकॉनिक डिवीजन। उसमें से मैं ये दो डार्क शेड लूँगी, डार्क ब्राउन एंड डार्क ब्लैक, आईब्रो सेटिंग के लिए। सो जिस तरह मैंने ये आईब्रो सेट की है थोड़ी बोल्ड, उसी तरह आपको ये आईब्रो भी सेम उसी तरह से सेट करनी है। सो आप देख सकते हैं मैंने आईब्रो अच्छे से सेट कर ली है मेरी। मैं आईब्रो के अराउंड लाइट कंसीलर अप्लाई करूंगी। मैं यहाँ कंसीलर ले रही हूँ मेबलिन का इन द शेड सैंड 20, और कुछ इस टाइप के फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं अप्लाई करूंगी। सो मैंने जिस तरह फ्लैट ब्रश की हेल्प से आईब्रो के अराउंड लाइट कंसीलर लगाया है, इसे हम स्पंज की हेल्प से ब्लेंड कर लेंगे। तो जिस तरह मैंने यहाँ कंसीलर लगाया है, उसी तरह हम इस आईब्रो पे भी लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने अपनी आईब्रो अच्छे से सेटिंग कर ली है। अब हम हमारा आई मेकअप स्टार्ट करते हैं। सो आई मेकअप पे मैं लगाऊंगी लाइट कलर का कंसीलर। सो मैं यहाँ कंसीलर यूज कर रही हूँ क्रायलॉन पैलेट में से सुप्रा का ये लाइट कंसीलर इन द शेड FS22। इस कंसीलर को भी हम फ्लैट ब्रश की हेल्प से पूरे आई लिड पे अच्छे से लगा लेंगे। सो मैं अपने आई लिड को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ क्रायलॉन का ट्रांसल्यूसेंट पाउडर इन द शेड TL2। जिस तरह हमने ये आई कंसील की सेट की ट्रांसल्यूसेंट पाउडर से, उसी तरह मैं ये आई भी कंसील कर लूँगी। अब हमने हमारा आई लिड सेट कर लिया है, अब हम आई मेकअप करते हैं। सो आलिया भट्ट का ये आई मेकअप काफ़ी ज़्यादा न्यूड और काफ़ी न्यूट्रल रखा हुआ है, एज यू कैन सी। काफ़ी ज़्यादा लाइट पिंक एंड ब्राउनिश बोल्ड काजल के साथ और आईलाइनर के साथ किया है ये मेकअप। सो हम भी उसी तरह से थोड़ा करेंगे। सो मैं अपने आई शेडो के लिए यूज़ कर रही हूँ हुड्डा पैलेट रोज गोल्ड रिमास्टर्ड
उसमें से मैं ये दो शेड यूज़ करूँगी, एक डिमर और दूसरा शेड यूज़ करूँगी मैं सैंडलवुड। ये दो कलर को मैं मिक्स करके अपना आईलिड कंप्लीट करूँगी। तो मैं यहाँ पफी ब्रश की हेल्प से आई शेडो अप्लाई करूँगी। सो मैंने आई शेडो अपने दोनों आईलिड पे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। इमेज में आउटर कॉर्नर में थोड़ा डार्क ब्राउन कलर है, थोड़ा सा इसमें डेप्थ दिखने के लिए, सो मैं यहाँ पे भी आउटर कॉर्नर पे थोड़ा डार्क ब्राउन कलर यूज़ करूँगी। अगेन सेम पैलेट ले रही हूँ, उसमें से मैं ये डार्क ब्राउन कलर लूँगी इन द शेड कोको। ही आपको लगाना है उसी तरह मैं इस साइड के कॉर्नर पे भी लगा लूंगी। सो अब हम आईलाइनर यूज करेंगे। इमेज में आलिया भट्ट ने विंग आईलाइनर नहीं लगाया है, स्मजिंग आईलाइनर लगाया है ब्राउन कलर का। सो हम यहाँ पाउडर आईलाइनर यूज़ कर रहे हैंगे। सो मैं सेम पैलेट ले रही हूँ, रेवोल्यूशन का आइकॉनिक डिवीजन, उसमें से मैं ये डार्क ब्राउन शेड लूँगी। एंड आप कुछ इस टाइप का एंगुलर ब्रश लें और इसके हेल्प से हम अब आईलाइनर लगाएंगे। और थोड़ा सा स्मजी और थोड़ा सा स्मोकी लुक दिखने के लिए मैं इसे फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड कर लूंगी। देख सकते हैं आप, उसी तरह हम इस आई पे भी सेम आईलाइनर लगा लेंगे, पाउडर आईलाइनर। उसी तरह हम सेम आई शेडो कलर लेंगे और हमारी वाटर लाइन पे सेम हम अप्लाई कर लेंगे और उसे भी हम इस एंगुलर ब्रश की हेल्प से स्मच कर लेंगे। जिस तरह इस आई पे किया है उसी तरह हम इस आई पे भी कर लेंगे। इस आई लुक को मैं कंप्लीट करने के लिए यूज कर रही हूँ ब्राउन काजल लाइक मे आइकॉनिक। काजल लगा के मेरा हो गया है आई लुक कंप्लीट करने के लिए। अब मैं आई लैशेस में मस्कारा लगाऊंगी, मैमलिन का द हैपो कल। आप देख सकते हो आईज कितनी ब्यूटीफुल दिख रही हैं मस्कारा लगाने के बाद। अब हम हमारा बेस स्टार्ट करते हैं और यहाँ हमारा आई लुक कंप्लीट होता है। सो मेरे फेस पे काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेशन है तो मैं सबसे पहले यहाँ ऑरेंज करेक्टर अपना यूज़ करूँगी। तो मैं यहाँ ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर रही हूँ डर्मा पैलेट में से D30। तो हम फिंगर की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे अराउंड माउथ।
इस लुक में आलिया भट्ट का बेस काफ़ी ज़्यादा नेचुरल नो मेकअप टाइप बताया है, बट मेरे फेस पे काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेशन एंड मुझे डार्क सर्कल्स है, इसलिए मेरा थोड़ा बेस हैवी हो सकता है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने ऑरेंज करेक्टर अपने फेस पे लगा लिया है और इसे मैं अब कंसील करूँगी लाइट शेड से। सो मैं अगेन क्रायलॉन का लाइट शेड ले रही हूँ इन द शेड FS22। सो यहाँ मेरा करेक्टर और कंसीलर दोनों अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब हम हमारा बेस लगाएंगे, मतलब अब मैं फाउंडेशन लगाऊंगी। यहाँ मैं फाउंडेशन यूज कर रही हूँ मिलानी का। जिस तरह ये हाफ फेस मैंने कवर किया है, उसी तरह ये फेस भी अब मैं कवर करूंगी। सो यहाँ मेरा फाउंडेशन लगा के हो गया है और अब मैं अपना बेस सेट करूंगी ट्रांसल्यूसेंट पाउडर से। मैं अगेन सेम पाउडर यूज कर रही हूँ क्रायलॉन से TL2 शेड। सो फेस मैंने ट्रांसल्यूसेंट पाउडर से अच्छे से सेट कर लिया है गाइस। अब इस इमेज में काफ़ी लाइट कॉन्चोरिंग की हुई है आलिया भट्ट ने। सो मैं यहाँ कॉन्चोरिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ रेवोल्यूशन का, उसमें से मैं ये डार्क ब्राउन शेड एंड ये थोड़ा सा ब्राउजिंग शेड मिलाकर यूज़ करूँगी। सो यहाँ मेरा कॉन्चर अपने फेस को कर लिया है, काफ़ी लाइट कॉन्चरिंग की है मैंने। अब मुझे ब्लश काफ़ी न्यूट्रल ब्लश लगाना है ताकि वो ब्लश ना दिखे, नो ब्लश काइंड ऑफ लुक चाहिए हमें। सो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्लश वेरी मी का चेरी माई चिक्स। इसके ऊपर मैं टॉप करूंगी बेनिफिट का गोल्डन रश मिनी, काफी नेचुरल लुक देगा आपके ब्लश को। सो मैंने यहाँ ब्लश लगा लिया है मेरे फेस पे, अब हम लिपस्टिक की तरफ बढ़ते हैं। सो इमेज में जो दिखाया है लिपस्टिक आलिया भट्ट का, काफी ज्यादा न्यूट कलर लिपस्टिक है, पिंक न्यूट कलर। सो मैं यहाँ पे पहले अपने लिप्स को लाइन करूंगी। सो मैं यहाँ लिप लाइन कर रही हूँ कीको मिलानो के लिप लाइनर से इन द शेड 512। इसके ऊपर मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ बेनिफिट की द रियल, ये कुछ इस टाइप की दिखती है। मैंने यहाँ लिपस्टिक लगा ली है, अब उस लुक में एक रेड कलर की बिंदी लगाई हुई है एंड मेरे पास रेड कलर की बिंदी नहीं है। सो मैं यहाँ पे रेड लिप लाइनर का यूज करूंगी। सो मैं अगेन किको मिलानो की लिप लाइनर ले रही हूँ इन द शेड 514।
यहाँ मैं अपना मेकअप सेट कर रही हूँ मिस क्लेयर के ड्यूई फिनिश लॉन्ग लास्टिंग सेटिंग स्प्रे से। सो दिस इज माई फाइनल लुक गाइस। होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। सो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलती हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।